एक अरसे से लटका चला आ रहा राम मंदिर का मामला अब मध्यस्थता के जरिए सुलझेगा। अयोध्या में जमीन का विवाद अब कोर्ट कचहरी की जगह आपसी सहमति से सुलझाने की कवायद शुरू होगी और यह आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जहां 9 सालों से यह मामला लटका पड़ा है। अयोध्या केस की अहम सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए एक पैनल का गठन भी कर दिया है। मध्यस्थता के लिए गठित किए गए 3 सदस्यों वाले पैनल का मुखिया सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला को बनाया गया है। वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू को भी इस पैनल का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को भी सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ बनाया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर से ये मैटर मीडिएशन को भेजा है। जस्टिस कलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो मीडिएशन के चेयरमैन रहेंगे। श्री श्री रविशंकर जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस मैटर में मीडिएशन रहेंगे और जस्टिस पंचू इस मैटर में मीडिएशन रहेंगे। रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। 6 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान 3 मुख्य पक्षकारों और अन्य पक्षों में मध्यस्थता को लेकर सर्वसम्मति नहीं दिखी थी। पिछली सुनवाई में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मध्यस्थता के लिए मंजूरी दे दी थी। निर्मोही अखाड़ा ने भी मध्यस्थता के लिए हामी भरी थी। हालांकि रामलला विराजमान और बाकी हिंदू पक्षकारों ने मध्यस्थता की गुंजाइश से इनकार किया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि आजमाए बगैर मध्यस्थता की कोशिश को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। पहले ही बात कर चुके हैं, अगर मीडिएशन की कोई एफर्ट होगी तो उसमें हम कोऑपरेट करेंगे। लिहाजा हम मीडिएशन में कोऑपरेट करेंगे। अब बाकी जो कुछ हमको कहना होगा वो मीडिएशन पैनल के सामने ही कहेंगे। आज जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ और जस्टिस S. अब्दुल नजीर की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ सुनवाई के लिए बैठी तो सुलह समझौते पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से दो टूक कहा कि मध्यस्थता के जरिए अयोध्या मामले का हल निकालें। इसके साथ ही 3 सदस्यों का पैनल बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने केस को मध्यस्थता के लिए भेजने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया के लिए पैनल को 8 हफ्ते का वक्त दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पैनल 1 हफ्ते के अंदर ही विवाद को निपटाने के प्रयास शुरू कर दे। अदालत ने मध्यस्थों के पैनल से 4 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए सभी बैठकें अयोध्या में ही करने का भी आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मध्यस्थता के प्रयास गोपनीय होंगे और इसकी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। 8 हफ्ते के अंदर मीडिएटर को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करनी है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर से मीडिया को मना किया है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों को इस मैटर की रिपोर्टिंग करने से। गौर करने वाली बात यह है कि मध्यस्थों के पैनल में जिन श्री श्री रविशंकर को शामिल किया गया है, वो अपने स्तर से भी सभी पक्षों के बीच सुलह की कोशिश कर चुके हैं और नाकाम रह चुके हैं। 1 हफ्ते के अंदर नहीं, हम चाहता हूँ कि आज प्रक्रिया शुरू करो। हाँ, अपने व्यवस्था करो, आओ शुरू करो। हम लोग पंचायत से भागेंगे नहीं, हम पंचायत में रहूंगा। प्रयास कई बार हो चुके हैं लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू पक्षकार खुद कहता है कि हम इसको नहीं मानेंगे जो भी कोर्ट फैसला करे। अगर जो है कोशिश हम लोग जो है करना चाह रहे हैं, अगर लोग तैयार हैं तो हम बात करेंगे। अगर ये मामला निपट जा रहा तो बड़ा बेहतर है। अयोध्या विवाद का हल निकालने के प्रयास कई बार हुए। सुप्रीम कोर्ट पहले भी इसके लिए पहल कर चुका है, सरकारें भी कोशिशें कर चुकी हैं, लेकिन सुलह की हर कोशिश नाकाम साबित होती रही है। यह बहुत अच्छी बात है और यह जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। यह नहीं, इसको विलंब नहीं करना चाहिए। इंतजार करने का समय बीत चुका है, अब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसको हो जाने का। ये तो अच्छी बात है, दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता के लिए राजी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सभी पक्षों को मान्य होगा। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थों का जो पैनल बनाया है वो राम मंदिर के लिए अदालत की चौखट से बाहर कोई हल निकाल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।